हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सालू लाइफ ब्लॉग। कहिए कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि मेरी वॉइस जो है एकदम ख़राब हो चुकी है, फट चुकी है मेरी वॉइस। और इसके पीछे की कहानी आपको अपकमिंग वीडियो में मेरे दिख जाएगा कि क्यों हो गई मेरी वॉइस ऐसी। और काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब है, इतना बस आप सभी जान लीजिए अभी के लिए कि काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने 2-3 दिन से कोई वीडियो भी अपलोड नहीं किया हुआ है। क्योंकि मेरी वॉइस ही नहीं थी तो मैं मतलब कैसे वॉइस ओवर करूँ, और कैसे मतलब ऐसे भी वॉइस कैसे ही करूँ मैं, तो इसीलिए वॉइस निकल ही नहीं रही थी। आज तो फिर भी थोड़ी बहुत निकलने लगी, मुझे लगा कि मेरी YT फैमिली मेरा इंतज़ार कर रही होगी, तो इसीलिए मैं चली आई। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो है न्यू ईयर की और मैं अब डाल रही हूँ, क्योंकि मैं डालना चाहती थी, बीच में मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई तो इसलिए मैं नहीं डाल पाई। तो हमने पूजा कर लिया सुबह सुबह न्यू ईयर में, और अब हम घर को जा रहे हैं। और आज हमारे घर कोई आने वाला है फ्रेंड्स, अभी मैं ये नहीं बताऊंगी कि कौन आने वाला है, हमारे फैमिली में से ही है कोई, लेकिन अभी कोई आने वाला है इसीलिए सारी तैयारी हो रही है। यहाँ पर मैंने सब्जी बना दिया, आटा लगा दिया था, और अब बर्तन धुलने के बाद सीधा इसको बनाएंगे। लेकिन यार अभी टाइम, अगर आप सभी को बता दूँ, इस मतलब ये काम कर रही थी तो टाइम हो रहे थे मुझे लगता है 12, 12:30, और हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। मतलब दर्शन करके आए, ये हुआ कि जल्दी जल्दी करो, वो लोग 10 बजे ही आ जाएंगे, और मैंने सारे काम ऐसे फटाफट से कर लिए, सारे मतलब जो भी थे घर के, आप सभी देख सकते हो पूरा बेसिन भर के बर्तन पड़ा हुआ है। तो वही मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि जिनको भी बर्तन धुलने का शौक़ हो वो आ सकता है मेरे साथ। और यहाँ पे ना 1 बज रहा था, हमें भूख भी बहुत ज़ोरों की लग गई थी, और मतलब रहा नहीं जा रहा था, भूख इतनी ज़्यादा लग गई थी। तो हमने क्या किया ना कि हम पहले ही खा लिए, हमने मम्मी ने और इन्होंने, हमने पहले ही खा लिया चटनी और कचौरी। वैसे कौन कौन इस रेसिपी को ज़्यादा लाइक करता है, अगर वो इस रेसिपी को लाइक करता होगा तो आज वो मेरे वीडियो को लाइक भी करेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी करेंगे। तो कौन कौन इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, मेरी तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है ये रेसिपी। मुझे कचौरी के साथ ना कुछ और नहीं चाहिए, या तो दही चाहिए, या फिर मुझे इसके साथ चाय अच्छी लगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे दही और चटनी अच्छी लगती है। चटनी का सीज़न चल रहा है, मतलब ठंडी चल रहा है, तो ठंडी में चटनी ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, तो इसीलिए। तो ढेंटन है, ये हैं हमारे न्यू ईयर गेस्ट, और ये हैं मेरे जेठ जी, और वो है मेरी जेठानी जी, ये दोनों आने वाले थे। और वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी भी हमारे साथ जो है हम सबको मतलब न्यू ईयर विश करने आए थे। तो बस वही टीवी भी चल रही है, तो आप सभी देख लीजिए, वो जेठ जी गए, ये जेठानी जी हैं मेरी, इनसे हमारा डबल कनेक्शन है, मायके से भी है, ससुराल से भी है। मायके से मतलब मेरे मायके से नहीं है, मेरी सास मतलब मेरी सासू मम्मी और उनकी सास जो थी, उनकी सासू मम्मी, उनके मायके से रिलेशन मतलब उन्हीं के घर की हैं, ऐसा समझ लीजिए, मतलब दादी जी के घर की हैं, उनके मायके वाले घर की हैं। तो बस ये मेरी उस हिसाब से ननंद भी लगती हैं और मेरी जेठानी भी लगती हैं, तो बस वही है। और ये जो है मतलब इन्होंने कहा था मतलब हम 10 बजे आ जाएंगे, लेकिन ये 10 बजे तो आए नहीं, इनको आते आते 1 से 1.5 हो गया, और हमें बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी, तो हमने तो पहले ही पेट पूजा कर ली थी, और आने के बाद हम फंस गए। फंस क्या गए, हमने बता दिया भैया आपके आने से पहले हम खा चुके हैं, हम आपका इंतज़ार करते करते भूखे हो चुके थे, भूखे शेर की तरह, तो हमने अपना शिकार कर लिया है, और सब हंसने लगे। तो बस यही लोग हैं आज न्यू ईयर पर। मतलब पहले क्या होता था गांव में ना यार, जब त्यौहार होते थे ना तो बहुत सारे लोग मतलब आपके ही घर के लोग जो बाहर कमाने के लिए जाते थे, मतलब जैसे दूसरे राज्यों में जाते थे, वो त्यौहार के दिन ज़रूर आते थे। वही सारी चीज़ें ना अब मिसिंग होती जा रही है, अब सब अपने में ही रहना पसंद करते हैं, कोई मतलब घर परिवार इतना कुछ नहीं लेके चलता है। और ये मतलब आज के दौर की क्या कहूँ मैं, तरक्की कहूँ या पिछड़ापन कहूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है। खैर छोड़िए वो सारी बातें, आजकल तो बर्थडे से ज़्यादा मतलब त्योहारों से ज़्यादा लोग बर्थडे और एनिवर्सरी ये सब सेलिब्रेट करने लगे हैं, लेकिन पहले गांव में ना सिर्फ त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते थे और बहुत ही इंजॉय करते थे, घर के बच्चे भी
और बड़े भी बुज़ुर्ग भी, और सबका आशीर्वाद लेना देना यही सब लगा रहता था। और मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब अभी भी मैं सोचती हूँ अगर वो दौर आ जाए तो कितना अच्छा होगा, लेकिन ये सिर्फ मेरी सोच है, अकेले की सोच है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर इनसे बात करते, खाना खाते पीते, मतलब समय निकल गया, अभी टाइम हो रहे हैं 5:30, और अभी हमने मन बनाया कि हम कहीं घूमने चलते हैं बाहर। ये लोग भी आए हैं ऐसे, मतलब यहाँ तो कुछ मतलब दो ही रूम हैं, दो रूम में आप क्या क्या दिखाओगे, क्या क्या मतलब करोगे, और खिलाते भी रहो तो खाने वाला इंसान कहेगा भैया अब हम वापस नहीं आएंगे, जब इतना ज़्यादा आप पेट भर दोगे तो पेट फट ही जाएगा। तो इसलिए हमने सोचा कि चलिए जब इतना ज़्यादा खिला ही दिया है तो इनको थोड़ा घुमा देते हैं बाहर तो फिर ठीक रहेगा। तो बस वही है, इन सब के साथ मैं भी चल रही हूँ, मतलब सब पूरी फैमिली के साथ मैं भी चल रही हूँ, बट पापा जी मिसिंग हैं बस, क्योंकि उनकी छुट्टी नहीं थी और गांव में यही सब तो नहीं रहता है, तो उनकी छुट्टी नहीं थी, वो नहीं है, बाकी सभी हैं। और हम चल रहे थे शाम को, वैसे यहाँ शाम को ना घूमने लायक बहुत ही अच्छा रहता है गांव में, मतलब शाम को तो निकलने नहीं देंगे घूमने के नाम पे, और इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शाम को 5 बजे ही तो रात हो जाती है वहाँ, तो शाम मतलब 2 बजे से 5 बजे तक शाम होती है, और 5 बजे से ले कर रात के सुबह के 6 बजे तक तो रात ही रात होती है। तो ये हमारे सिर्फ दांत चमक रहे हैं, बाकी हम नहीं दिख रहे हैं आपको, इतना अंधेरा हो चुका है अब, मतलब यहाँ भी एकदम नहीं हुआ है लेकिन फिर भी अंधेरा हो चुका है, फेस नहीं दिख सकता है किसी का। तो बस वही है, और हम सब पहुंच गए हैं इन्फिटी मॉल, सॉरी मैंने नाम बता दिया, मुझे नाम नहीं बताना चाहिए था, आप सभी जो मतलब जानते होंगे वो तो पता ही लग जाएगा उनको। तो हम लोग मॉल आ गए हैं घूमने के लिए, कुछ इधर उधर देखने के लिए, बस यही। और शॉपिंग तो हमने पहले ही कर ली थी, तो शॉपिंग करने तो आए ही नहीं है, सिर्फ घूमने आए हैं, और देखते हैं कुछ खा भी लेंगे अगर मन हुआ। वैसे तो घर से तो इतना ज़्यादा पेट भर के आए हैं, तो यहाँ पर देखिए बच्चों का कुछ इस तरीके से मनोरंजन करने के लिए कुछ इस तरीके का खेल जो है, मतलब आप सभी देख सकते हैं। और यहाँ पर ये मतलब जेठ जी का लड़का बाबू जो है वो ज़िद कर रहा था कि हम भी इस पे बैठेंगे, तो हमने उसे भी मतलब बैठाया। हम लोग वहाँ भी काफ़ी देर तक रहे, उसके बाद हम चल दिए। और यहाँ पर जो भी आना चाहता है, इन्फिटी मॉल आप सभी को पता होगा ये कहाँ है, अंधेरी में है, जो भी यहाँ आना चाहता है वो आ सकता है बिल्कुल ही, लेकिन हाँ बस उसके पास प्रूफ होना चाहिए कि उसने वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए हैं। मैंने नहीं लिए थे इसीलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो चलिए अब मैं यहाँ से जो है अपने वॉइस को कर देती हूँ म्यूट, काफ़ी देर से आप लोग सुन के बोर हो गए होंगे, कान भी पक गए होंगे आपके इतनी फटी हुई आवाज़ सुनकर। तो यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ म्यूज़िक, आप सभी इन्जॉय कीजिए, मैं भी थोड़े अपने गले को रेस्ट दे देती हूँ।
सो फैमिली घूमते घूमते जो है रात के जो है मुझे लगता है 9:30 हो गए थे। और यहाँ से जान आने के बाद ना घर का जो हालत हुआ था, पता नहीं किसने बाथरूम की टोटी ऑन कर दी थी यार, मतलब नल सॉरी, तो पानी पूरा घर में भर गया था उसके बाद आने के बाद जो मेहनत हुई। तो चलिए छोड़िए, आई होप आप सभी को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो, आज का वीडियो पसंद आया हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक करें, इसे शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।